حضرات زیباکار اللہ رب العزت دا بڑا ہی نہایت فضل اور کرم کہ جس ہستی نے تہاڈے چہریاں دا دیدار کرن دا شرف حاصل فرمایا میری دعا ہے قاری دلاور حبیب صاحب سمیت دیگر مسجد دی انتظامیہ اور نمازی حضرات اللہ پاک ساڈے سارے دا ایک دوسرے دے نال پیار کرنا اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منصور فرمائے. آئی حضرات دیواکار انسان دی زندگی دے اندر اولاد واسطے قدم با قدم ماپیاں دیاں قربانیاں دینا اے اولاد واسطے ایک بڑا ہی اعلیٰ سبق ہے. ماں باپ اگر بچے دے سر تے ماپیاں والا سایہ قائم ہے تے بچہ ہمیشہ ہی اپنا نام بھی کمائے گا, ہمیشہ والدان دا سر بھی سخر فخر تو بلند کرے گا. اے ہیں ساڈیاں گلاں. اللہ رب العالمین نے ایک نظام اور قانون بنایا ہے کئیاں نوں اللہ یتیم کر کے پیدا کر دیندا ہے, کئیاں نوں اللہ تعالی ماپیاں دے سائے تھلے اللہ تعالی بچے پیدا کر دیندا. یاد رکھیے یتیمی والا جڑا وقت ہوندا ہے بڑا ہی مشکل وقت, جہلیت دے دور دے اندر یتیم بچیاں نوں نحوست انج سمجھیا جاندا کہ یتیم بچہ جدے گھر دے اندر قدم رکھ دیندا سی کہ او لوگ کہندے سن ہن ساڈے گھر دے اندر کوئی خیر نہیں ہونی,
इस बद वक्त इन्हें माद अल्लाह के नहुसत बच्चे ने साडे घर के अंदर कदम रखे हूँ साडा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस तरह का उन्हां दा अंदाज इंज दा रवैया दोरे जहलीयत दे अंदर ए आम पाया जाया करदा। औरत नू भी मनहूस समझिया जाना, बच्चियां नू जिंदा दरगोर कर दिता जाना, यतीम बच्चियां नू भी मनहूस समझिया जाना, हत्ता के सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दी जिंदगी वल नजर दौड़ाइए। सहाबा इकराम उदो तक खाना नहीं सी खांदे जदों तक यतीम बच्चियां नू करीब ना बैठा लेंदे। सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त खाना नहीं सी खांदे जदों तक यतीम मस्कीन गरीब बंदे नू अपने कोल बैठा ना लिया करदे। सहाबा इकराम यतीम बच्चियां दे अखां दे आंसू साफ करिया करदे। साडा अंदाज इंज दा बन गया है, असी यतीम नू कदी अपने सीने दे नाल भी लगाना पसंद नहीं करदे। जदों तक बाप दुनिया ते है उहदे पुत्तर नू असी शहजादा भी कहांगे, उहदे पुत्तर नू असी शेर भी कहांगे, असी उहदे पुत्तर दीआं तारीफां भी करांगे। जिस दिन उहदा बाबा अख मेट गया उस दिन असी उस बच्चे तू दूर हो जावांगे। क्यों? ये हुण यतीम हो गया, ये माड़ा हो गया, ये लाचार हो गया, ये माद अल्लाह बेकार हो गया। ये साड़ियां सोचां वही अल्लाह दे प्यारे हो जिस नबी दा कलमा पढ़िया है ओदी सीरत दा मुतालिया करो। वो दुनिया ते उहदा बाबा दुनिया तो जुदा हो गया सी, अल्लाह ने यतीमी दे अंदर पैदा किया। आइए जरा तवज्जो करना, गौर करदिया जाना, यतीमा दे नाल मस्कीना दे नाल प्यार कीजिए, अल्लाह दुनिया अंदर भी इज्जत अदा करेगा। मेरा मालिक, मेरा खालिक जन्नत दे अंदर सोने महबूब दा साथ भी अदा करदे। इत्थे असी नमाज़ां पढ़ने आ, सजदे करने आ, रकू करने आ, माल खर्च करने आ, असी बड़ियां बड़ियां नेकियां करने आ इस वास्ते कि सानू सोने महबूब दा गवांड लभ जाए। जे साडे महबूब ने सानू एक तरीका दस्या है वो तरीके नू अपना लईए, अल्लाह की कसम है सोने महबूब ने फरमाया जिन जा दो उंगलियां ने कयामत दा दिन होएगा ओ बंदा मेरे इस मेरे कंधे दे नाल ओ कंधा मिला के ते ओ बंदा मेरे नाल होएगा। असी उन्हां हदीसां ते अमल भी नहीं करदे, उन्हूं फॉलो भी नहीं करदे। आइए जरा तवज्जो करना, जरा यतीमी दे हवाले दे नाल सोने महबूब दी जरा जिंदगी तो आपां आगाज करिए। अल्लाह दे कोलों दुआ है जो कुछ बयान करा मेरा मालिक मेरा खालिक सही माने दे अंदर सुन सुना के उस दे अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मद, मेरे नबी दा नाम आए मोमिन खामोश हो जाए मैं उन मोमिन नहीं मनदा, जरा मोहब्बत दे नाल प्यार दे नाल दरूद पाक पढ़ो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम दे सीनाए पाक ते ना दिल गौण वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान इलाम करदा फरमाया के वसुहा वल्लैल इज़ा सजा मा बद्दा का रब्बुका व मा कला وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ। फरमाया के आए कायनात लोगो दुनिया वाले होंगे
जरा मेरा पैगाम सुनिए। जी अल्लाह जी की पैगाम सुनाना चाहते हो, फरमाया के आलम यजीद का यतीम अनफावाग। मैं इस दुनिया के अंदर एक एडा सोना मुखड़ा एडा सोना प्यारा महबूब है, जिदे बारे कुरान भी गिलान करके कह रिया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सोना महबूब मेरा पैगंबर है, जिदे बारे अल्लाह का कुरान इलान कर दे, फरमाया के या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। मैं उस महबूब का तज़किरा कर रहा वाग हज़रत जी, जिदे बारे कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़ान्दिर व रब्बका वसियाग। ज़रा तवज्जो करिए, फरमाया या नबियुग इन्ना अरसलना का शाहिदाऊ व मुबशिराऊ व नदीरों। फरमाया कायनात पे लोगों, असा उस महबूब नु दुनिया ते महबूद किया है। जी अल्लाह जी कदों महबूद किया है, फरमाया आलम यजीदी का यतीम अनफावाग। मेरा महबूब दुनिया ते आया है उदों आया है कि जदों बाबे वालियां शफकताग, बाबे वाली रहमत वाला साया दुनिया तो खत्म हो चुकिया। जरा तवज्जो करना, सरदार अब्दुल्ला सरदार अब्दुल्ला हजरत जनाब अला अबू मबू अब्दुल मुतलिब के बेटे ने, सरदार अब्दुल मुतलिब दे बेटा सरदार अब्दुल्ला। इंज करके अल्लाह ताला ने वक्त ले आया जवानी वाला, सरदार अब्दुल्ला दा निकाह बीबी अमना दे नाल हो गया, बीबी अमना दे नाल निकाह होया गया। वक्त लंघता गया है यार, पहली सरदार अब्दुल्ला दे आ गए, आओ ना सरदार जी आज कारोबार ते चलिए। सरदार अब्दुल्ला तिजारत कपड़े दा काम कर दाग। मेरे मोहतरम भाईओ, सरदार अब्दुल्ला अपने यारां बेलियां दे नाल ना चलदियां चलदियां कम काज वास्ते मदीने दे इलाके दे अंदर चले गए। मुख्तलिफ रवायात ने करवैत अंदर आंदा है, सरदार अब्दुल्ला अपने यारां बेलियां दे नाल ना शाम दे इलाके दे अंदर कारोबार वास्ते गए ना, कारोबार करदियां करांदियां मदीने दी धरती ते चले गए। उत्थे सरदार अब्दुल्ला दे मामू जान रहंदे ने, रब दियां मर्दियां ने, ए मेरे अल्लाह ताला दा कानून है। सरदार अब्दुल्ला नू बीमारी लग गई है, सरदार अब्दुल्ला दिन ब दिन बीमार होंदा जा रिया है। ओ जेड़े यार बेली गए ने, सरदार अब्दुल मुतलिब अपने पुत्रा दी पुत्र दे राह तकदा पिया गए, अज मेरा पुत्र वापस आंदा होएगा, अज मेरा लाल आंदा होएगा। दूजी सैड तो बीबी अमना अपने सरदार दा रास्ता वेख रही है, कदों आएगा मेरा सरदार अब्दुल्ला, कदों आएगा मेरे सिर दा साई सरदार अब्दुल्ला। इंज करके बीबी अमना भी रात गदियां तकदियां रह गईयां ने। आसमान वल्लों मौत दा पैगाम आ गया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हुण दूजी सैड तू सरदार अब्दुल मुतलिब अपने पुत्र दे रात तक रिया है, कदों मेरा पुत्र ता मेरा लाल आएगा। इंज करके रास्ते तकदियां तकदियां काफला वापे दाया है, सरदार अब्दुल्ला सरदार अब्दुल मुतलिब दे कोले। ओ सरदार जी, बाबा जी तुहाडा पुत्र बीमार हो गया है, असां मदीने दी धरती ते छड़ के आ गए हां,
अपने पुत्र नु सरदार अब्दुल मुतले बलवांदा है, ओ मेरा पुत्र हारिस है, जल्दी कर अपने परा दा पता लैण वास्ते टुरना, अपने वीर दा पता लै की बणिया है तेरे परा सरदार अब्दुल्ला नु। ओ परावा वाले हो, ओ जदों अचानक खबरां मिलदियां ने कि मेरा परा ना फला जगह ते बीमार हो गया है, फला जगह ते मेरे परा दा एक्सीडेंट हो गया है, मौत दी कशमकश अंदर है, अल्लाह दी कसम परावां दे पैरां विचू ओ जमीना निकल जांदियां ने, परावां दियां लखां लड़ाइयां गोलना, लखां झगड़े गोलना, जदों परा दा दुख सुनदे ने ते परावां वाले ओ दौड़ना शुरू कर दिंदे ने। ओ सरदार कारिस दौड़दा जा रिहा है, इंज करके मदीने दी धरती ते पहुंचिया है, जा करके दी अपने रिश्तेदारां नूं सवाल कीता गए, ओ दसो ना मेरे परा किते, दसो ना सरदार अब्दुल्ला किते, आवाज आई है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत। गल सुन सरदार अब्दुल्ला, ओ सुन सरदार खारिस गल सुन ला, ओ तेरा परा बीमार सी ता रब वल्लों मौत दा पैगाम आ गया, असीं इहदा कफन दा दफन इंतजाम कर छड़िया है, हुण सरदार खारिस दौड़ गए, हुण मैं अपने बाबा जान नूं पैगाम देवाना, मेरा वीर तां दुनिया तों जुदा हो गया गए, मेरा परा तां दुनिया तों रुखसत हो गया है, दौड़दा आया है अपने बाबा जान नूं पैगाम दिता गए। ओ सरदार अब्दुल मुतलिब ने जदों सुनिया है, मेरा लाल तां मेरा लख्त जिगर, मेरा पुत्र दुनिया तों चला गया है, गश खा के जमीन ते गिर गया है सरदार अब्दुल्ला, सरदार अब्दुल मुतलिब ना बेहोश हो गए, बेहोशी दी हालत है, वक्त लगया सरदार अब्दुल मुतलिब नु होश आया है, हजरा जी हुण तेरा तवज्जो करो, मैं जड़ी गल वल तुहाडी तवज्जो दिलाना जा रिया वा, वक्त लंघदा जा रिया है, वक्त गुजरदा जा रिया है, बीबी आमना दे पैर भारी हो गए, वक्त आया लोकां दियां नजरां पै गईया ने, सरदार अब्दुल्ला दे घर ना अज सुखियां टेणियां करियां कौन फालियां ने। ओए अल्लाह वालेओ, रबीउल अव्वल दा महीना तिना, रबीउल अव्वल दा दिहाड़ा गए, सुवार दा दिहाड़ा है, सुवार दा दिन ने, अल्लाह ताला ने सरदार अब्दुल्ला दे घर दे अंदर ना मेरा सोना ओ मेरा ती तुहाडे दिलां दी बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने पैदा कर छड़िया गए। ओ लोगो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो पैदा कीता गया यतीमी दी गल दंदा ना, कुरान भी यही कहंदा है, अलम यजिद का यतीमन पावा, अलम यजिद का यतीमन पावा। ओ सुनो सुनो कायनात दे लोगो, ओ दुनिया वाले ओ पैगाम सुनिया जे, अल्लाह ताला ने कायनात दे दो जहाना दे सरदार नो क्यों यतीम पैदा कीता है, दस्या है इस कायनात दे अंदर यतीमां दी वैल्यू कोई नहीं सी, इस कायनात दे अंदर यतीमां नो इज्जत दी निगाह दे नाल नहीं वेख्या जांदा सी, यतीमां नू ना मानूस दी ना औसत समझिया जांदा सी, असां सोने महबूब नू यतीम पैदा करके पूरी कायनात दे नालों ज्यादा इज्जतां कर छड़ियां ने, इज्जत कर दितियां ने। हजरा जी, वो जो चाहे तो कतरों को समंदर कर दे, वो जो चाहे कतरों को समंदर कर दे, वो जो चाहे यतीमों को पैगंबर कर दे, ए मेरे अल्लाह दियां मर्जियां ने। वो पत्थरां दे विचों मेरे सोने महबूब ने चुकिया है, सिदरतुल मुंतहा ते पहुंचा छड़िया गए, ए मेरे रब दिया मर्जियां, ए अल्लाह ताला दा कानून है, पता ही लग गया है यतीमी आ जानी कोई बड़ी गल नहीं है, ओ यतीमा दा ख्याल रखना बड़ी बड़ी गल जे, यतीमा दे सिर ते शफका दा हत रखना बड़ी बड़ी गल जे, आज तेरे पति जे यतीम हो गए, कोई वक्त नहीं लगना, कोई देर नहीं लगना, कल तेरे पुत्र भी यतीम हो सकते ने, आज तेरे गवांड
ਡੈਡੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਕਾਫਾ ਤੇ ਅਮਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਬਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਇਬਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੁੜਾਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੁੜਾਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੁੜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਤੀਮੀ ਕੀ ਸ਼ਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਤੀਮੀ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਖਿੱਚਦਾ ਗਏ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫੇਰ। ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਆਪ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਯਤੀਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਉਮਤੀ ਕਲਵਾਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਯਤੀਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਗਏ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਮਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦ ਬਖਤ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਮਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਦਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਆਖਦੀ ਏ, ਦੱਸੋ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਾਜ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੋਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਗੋਂਦੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਕਹਿੰਜੇ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬਦ ਬਖਤ ਅੱਬੂ ਜਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਯਤੀਮੀ ਯਤੀਮੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਏ, ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਜ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਬਾਬਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਆਮਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਮੁਕਬਤਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਜਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਏ, ਅੱਬੂ ਜਾਲ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਗੇ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਯਤੀਮੀ ਯਤੀਮੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਏ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਤੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਯਤੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਂਜ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਯਤੀਮ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾਹ ਮਹੱਲਾ ਤਾ ਕਰ।
محل لینا چاہتے ہو نا، آؤ پھر یتیماں دے نال پیار کرو۔ اللہ رب العالمین دنیا دے اندر بھی اللہ رب العالمین عزت عطا کرے گا، قیامت والے دن میرا مالک عزت دا تاج پہنا چھڑے۔ حضرات دیوکار توجہ کرنا، فرمایا کہ وایو تعیمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا۔ آو اللہ والیو یتیما نال پیار کرو نا، یتیما نو کھانے کھلاؤ نا، مسکینا نو کھانے کھلاؤ نا، غریبا دی ماڑیا بندیا نو کھانا کھلا نا۔ سنیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کل قیامت دا دن ہوئے گا، گنج کر کے عدالت لگی ہوئے گی، اللہ فرمائے گا ابن آدم میرے سوال دا جواب دینا، ابن آدم میری گل دا جواب دا دینا۔ بندہ کہے گا کہ رب کیڑا جواب لینی، دس ابن آدم میں تیرے دروازے تے آ کے تے تیرے کولوں روٹی دا سوال کیتا، مینوں کھانا کھلانا، پر تو مینوں کھانا نہیں کھلا، تو مینو روٹیاں نہیں کھلائیاں۔ اللہ دا بندہ بول کے کہے گا کہ ربا تو تا پوری کائنات دی پرورش کرن والا ہے، تو تی پوری کائنات نو رزق دین والا ہے، تو میرے کولو کیویں کھانے دا سوال کر سکنا گے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندیا تیرے دروازے تے میرا بندہ چل کے آیا، انہیں آ کر کے کہیا بندیا میں ماڑا وا، میں غریب وا، میں بھکا وا، مینو روٹی کھلا دے، مینو روٹی دے دے، تو میرے بندے دے اگے انکار کر چڑیا، جے کاش جے تو بندے نو روٹی کھلائی ہوندی، اج میں رب العالمین دے کولوں دا بدلہ لے لیندا۔ ابن آدم گل دا جواب دا دینا، میں تیرے دروازے تے آ کے پانی دا سوال کیتا، پانی دا سوال کیتا، او تواڈے دروازیاں تے مہمان نہ جائے نا، تواڈے چہریاں تے 12 بج جاندے نے، اج تواڈے دروازے تے مہمان نہ جائے نا، تواڈے کول پانی دا سوال کر لینا، تواڈے متھے تے ایک رنگ کاندا ہے تے دوجا رنگ جاندا گئے، اج تواڈے چوکھڑ تے مہمان نہ جائے نا۔ کئیاں بیبیاں دی بڑی گندی عادت ہے، جدوں کو مہمان آیا ہے اپنے خاوند نو بھی لڑنا شروع کر دیندیاں نے، ایک آپ آ گیاں اے دوجا نال لے کر ٹور پیا ہے، میں تیرا کھانا پکاواں یا تیرے مہمان دا کھانا پکاواں؟ نہ اللہ والیا، نہ مہمان اللہ دی رحمت ہے، اپنا نصیب لے کر کے آیا ہے، اپنا کھانا لے کر کے آیا ہے۔ مہمان دروازے تے آ جائے چہرے تے مسکراہٹ لے کے ویلکم کریا کرو نا، مہمان دی قدر کر، اللہ دنیا دے اندر بھی کھانے کھلائے گا، کل قیامت والے دن کھانے کھلائے گا۔ اللہ فرمائے گا ابن آدم ہے دس میں تیرے کولو پانی دا سوال کیتا، دس تو مینو پانی نہ پلایا، اللہ تو تے رب العالمین ہے، تو تے پوری کائنات نو پانی پلان والا، اللہ تو تے ساری کائنات نو روزیاں دین والا، اللہ تو تے پوری کائنات نو عزت دین والا۔ اللہ جی تو تے شہنشاہ، تو اللہ رازق سے، اللہ تو پانی پلان والا سے، تو تا میرے کولو کیویں پانی مانگ سکدا سے؟ اللہ کہے گا میرے بندیا تیرے دروازے تے میرا بندہ چل کے آیا، اونے دروازہ کڑکا کے آکھیا چودھری جی تے سردار جی میں تیرا مہمان آ، مینوں پانی پلا نا، تانوں پانی تو انکار کر چھڈیا، جا اج تیرے واسطے کوئی پانی دا انتظام نہیں کیتا، جا تیرے واسطے اج کھانے دا کوئی انتظام نہیں کیتا۔ اللہ ددکار دے گا، اللہ بگا دے گا دس بندیا، اج دنیا دے مہمان دی قدر کرے گا، غریب یتیم دی قدر کرے گا۔ اللہ قیامت والے دن اللہ اپنی رحمت دے نال کھانا بھی کھلائے گا، پانی بھی پلائے گا۔ اللہ کھانا بھی کھلائے گا تے اللہ پانی بھی پلائے گا۔ یہ دل اندر تمنا رکھ دیو نا، اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن مینوں پوری کائنات دے کے شرمندہ نہ کرے۔ پھر آؤ
अपने गलियां महलियां दे अंदर नजरां मारो, रिसर्च करिए कौन ऐसा माड़ा बंदा है, कौन बड़े सफेद पोश पहने जेड़े लोकां दे अगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करदे, उहदा दरवाजा खड़का, उहदी चौखट ते जा, रात दी तरीकी होए तेरे हाथ दे अंदर राशन होए, दरवाजा खड़का के राशन रख के ती वापस आ जा। कोई जरूरत नहीं सैल्फियां लैण दियां, कोई जरूरत नहीं नाम पुछण दी, कोई जरूरत नहीं नाम तहरीर करन दी। हज़रत जी कईयां नूं रमजान अंदर वेख्या है राशन किन्ना सी, 1000-1500 दा राशन है, की करदा है सैल्फियां लई जा रही है साड़ियां मावां पैणा दियां, सैल्फियां बनाईयां जा रही ने साडे भरावां दियां, सैल्फियां लैके फिर फेसबुक ते सोशल मीडिया ते वायरल किया जा रही है। क्यों? असीं खाना दे रहे हैं, ओए असीं रोजियां दे रहे हैं, रोजियां दा मालिक तू है, रोजी दा मालिक कौन है? मेरा अल्लाह है, और रोजियां देन वाला है जिस रब ने तेनू कखा तू लख कर छड़िया है, और लखा तू कख करन वाली कुदरत है, और चाहे कि तेनू लखा तू भी कख कर सक। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाईओ, मेरे मोहतरम भाईओ, वक्त है, टाइम है अपने रब्बुल आलमीन दे अजाब तो डर जाइए, उदी पकड़ तो डर जाइए, यतीम दा ख्याल रखिए, अपने इलाका महल्ले गलियां दे अंदर अपने पहले अपने रिश्ते बदारां दे अंदर नजरां दुड़ाओ, किथे मेरे यतीम भतीजे तो माड़े नहीं, और किथे मेरे भरा तो माड़ा नहीं, मेरी भैन तो माड़ी नहीं। वो वक्त वेला याद कर जदों तू छोटा जिहा होया करदा सन, तेरे भरा तेनू खिडाया करदे सन, तेरियां भैणां तेरा ख्याल करिया करदियां सन, उस वेले नू याद कर वो जदों तू छोटा जिहा होया करदा सन, तेरा बाबा तेरे वास्ते मिन्नत मजदूरियां करके पसीने दे नाल शराब बूर होके, और तेरा बाबा तेनू कमांदे, तेरा बाबा कमा कमा के तेनू खिलांदा रह गया, तू खांदिया खांदिया जवान हो गया, तेरा बाबा खिलांदिया खिलांदिया तेरा बाबा बूढ़ा हो गया, तू खांदिया खांदिया तेरे चेहरे ते रौनक आ गई, तेरा बाबा तेनू खिलांदिया खिलांदिया तेरे बाबे दे चेहरे ते जरियां पै गईं। उस वेले नू याद कर, अल्लाह की कसम है जदों इंज दा वेला याद करेगा तेरे दरवाजे ते यतीम आएगा, मस्कीन आएगा, कैदी आएगा, तेरे दरवाजे ते माड़ा तू माड़ा आएगा, कदी तू उन्हूं दरवाजे तो खाली वापस नहीं मोड़ेगा। हज़रात दीवाकार तवज्जो करना, गौर करते जाना, मैं जिन्ना बातों का जिक्र कर रही मेरे मोहतरम भाइयों, यतीमा दे नाल प्यार करना है, यतीमा नाल मुहब्बतां करनियां ने, एक अल्लाह वाला बड़ी गल भेत बड़ी प्यारी तर्जमा नहीं करता है, जिड़ी कि न यतीम किसे नो ते मर गई जिस दी माई, जिड़ी कि न यतीम किसे नो ते मर गई जिस दी माई, मावां बाज यतीमा ताई, मावां बाज यतीमा ताई, ते आस उम्मीद ना कई, अल्लाह वालियो यतीमों वक्त नहीं लगता, वक्त नहीं लगता कि बंदा यतीम हो जाता गए, सुबह सवेरे बंदा चंगा भला उठता है, वो शाम पैंदी है बंदा यतीम हो जाता है, वो बंदा चंगा भला उठता है अपने ऑफिस वाले जाता है, खबरां गांदियां ने कि अल्लाह वालिया तू यतीम हो गया है, वो माड़ा हो गया है, ए दुनिया दुनिया है, आ पता नहीं लगता बंदा सुबह किंज करदा तो शाम किंज दी हो जाती है, अल्लाह वाला कहदा है बुल्ली ना तू मट्टी दियां ढेरियां, बुल्ली ना तू मट्टी दियां ढेरियां, डाडियां ने रातां गवां देरियां, बुल्ली ना तू मट्टी दियां ढेरियां, डाडियां ने रातां देरियां, याद कर वेला को जदों मंजी उत्ते जावेगा, याद कर गो वेला मंजी उत्ते जदों जावेगा, याद कर वेला को जदों मंजी उत्ते जदों जावेगा, फिर कदों मुड़ के तू बतना, फिर मुड़ के तू कदों बतना वल आवेगा,
फिर कदों मुड़ के तू वतना वल आवेगा। सुजियां गा बेलियां तेरियां, सजियां तेरियां हवेलियां, डाडियां ने रातां गुआंदेरियां। जान तू भी प्यारे तेरा दुख किवें सहणगे, जान तू भी प्यारे किवें तेरा दुख सहणगे। सुन के ऐलान तेरा, सुन के ऐलान तेरा कई डिग पैणगे। नजरा तू जदों कित्थों, जद नजरा जदों कित्थों फेरेगा। डाडियां ने रातां गुआंदेरियां, अल्लाह वालिया ए वक्त दा पता नहीं लगदा, अज कब्रस्तान नंबर लगना है। तेनू मट्टी दियां ढेरियां नजर आंदियां ने, वक्त आएगा ते अल्लाह पाक ना तेरी जिस्म दी मट्टी दी ढेरी बना देगा। आओ नजरा यतीम वल आईए, यतीम नाल प्यार करांदा फायदा की लभेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, जेड़ा बंदा यतीम नाल प्यार करेगा अल्लाह पाक जन्नत दे अंदर उस बंदे नूं गवांड अता कर देवेगा। अल्लाह पाक गवांड अता करेगा, किवें गवांड? हजरा जी सजदे कसरत नाल करनिया, बस यही दिल अंदर लालच, अल्लाह अपना साथ अता कर दे, अल्लाह अपना हमसाया बना ले, सोने महबूब दा सा हमसाया बना लै। हजरा जी अपनियां महफलां ती बड़ियां सजाने आ, असी अपने घर बार तो बड़े सजाने आ, कदी अपने इलाके दे अंदर विजिट नहीं कीता, अपने इलाके दे अंदर रिसर्च नहीं कीता, कोई माड़ा है कोई करीब है ताकि मैं दी कफालत कर लवा, वे इहदे सिर ते दस्ते शफ़क़त दा हथ रख लवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सोने महबूब दा सानू गवांड दी अता बना दे, अल्लाह सोने महबूब का हमसाया बना देगा, अल्लाह गवांड अदा कर देगा। वक्त है, टाइम है, आज भी तेरे कोलू टाइम है। हज़रत जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गवांड चने करी बंद सिर ते दस्ते शफ़क़त दा हाथ रख ले, अल्लाह हमसाया बना देगा सोने महबूब दा। आओ जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोले गवांड लेना चाहते हो सोने महबूब दा। यतीमां नाल प्यार करिए, मस्कीना दे नाल मुहब्बत करिए। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल ना आने वाला आया है, आ करके अर्ज करदा, सुनियो दिल बड़ा सख्त हो गया, दिल बड़ा पत्थर माने दो चुकिया है, लिहाजा कोई दुआ दी भी दे दियो, कोई दुआई दे दियो, कोई नुस्खा ही दस दियो, मैं अमल करा, अल्लाह मेरा दिल नरम कर दे। अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, सवाल करन वालिया अज साडे भी दिल बड़े सख्त हो गए ने, सोशल मीडिया यूज कर करके, टिकटॉक बना बना के, फेसबुक चला चला के, इंस्टाग्राम यूज कर करके, यूट्यूब चला चला के, अज साडे दिल सख्त हो गए ने, शराबा पी पी के, जना कर करके, बदकारियां कर करके, साडे दिल सख्त हो गए ने। हजरा जी साडे दिल पत्थर दी मानद हो चुके ने, आओ जे चाहते हो साडा दिल नरम हो जाए, जेड़ा सोने महबूब जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल दस्या है, उस अमल नु फॉलो कर लो, अल्लाह तुहाडे दिल नु नरम कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस सहाबी नु कहया अपने इलाके अंदर नजर दौड़ा, कोई यतीम लब जाए उस यतीम दी कफालत कर ले, अल्लाह पाक तेरे दिल नु नरमियां अता कर छड़ेगा, अल्लाह तेरे दिल नु नरम कर देगा, अल्लाह तेरे दिल नु सख्ती तो दूर कर देगा, अल्लाह तेरे दिल दे अंदर यतीमा दी मुहब्बत पैदा कर देगा, यतीम दे सिर ते दस्ते शफ़क़त दा हाथ रख, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे दिलां नु नरमी अता कर दे। हजरात दीवाकार तवज्जो करना, फरमाया के वायु तुईमून अत्ताम आला हुब्बिहि मिस्कीनौ वयतीमौ वासीरा। फरमाया कायनात दे लोगो दुनिया वालेओ यतीमा नाल प्यार करो ना, मस्कीना नाल प्यार कर, अल्लाह पाक दुनिया दे अंदर भी मकाम अता कर देगा, अल्लाह आखरत वाले दिन सोने महबूब दा गवांड अता कर देगा। हजरत जी एक गल दा जवाब दा दियो ना, सारे दिन दा थकिया टुटिया गोना है, अपने ऑफिस दे अंदर दिन गुजार के मेहनत मजदूरियां करके ते शाम वेले घर जाने आ, ते
मेरी धी ता तेरा बेटा बोल के कहंदा है पापा जी मैं पीजे शॉप ते लै करके जावो ना, पापा जी मैं पार्क वाले जाना है वेरा मैनू लै करके जावो ना, मैं तेरी दुनिया दे माशरे दी अक्कासी कर रिया वा, ऐ तेरे माशरे दे अंदर इंज गल्लां पाइया जा रहियां ने। तेरा पुत्तर ता बोल के कहंदा है पापा मैनू पीजे शॉप ते लै के जावो ना, पापा कहंदा मेरा पुत्रा मैं ती सारे दिन मेहनत मजदूरियां करके सारे दिन कम काज करके थक गया, मेरा पुत्रा मैं आर्डर कर देना वा ता पिज्जा आ जाएगा। पुत्र जिद करदा ते कहंदा नहीं नहीं बाबा मैं ती तुहाडे कंधियां ते सवार होके जाना है, मैं ती तुहाडे सीने ते नाल लग के जाना है, पापा तुसी मैनू नाल लै करके जाना है। ऐ तेरा पुत्र इसरार करदा है, तेरी बेटी इसरार करदी है पापा मैनू नाल लै करके जावो ना, मैं पीदा शॉप ते ती पार्क विच जाना है, अपने पुत्र दियां जिद्दां पूरियां करना है, अपने पुत्र दे लाड़ पूरे करना है, अपने धी दियां फरमाइशां पूरियां करना गे। कदी नजरा नहीं मारिया, कदी यतीमां भतीजियां वल नजरा नहीं फेरिया, आए हाय मेरे यतीम भतीजियां दे भी कोई ख्वाब होएगा, कोई मेरे यतीमां भतीजियां दे भी दिल दियां हसरतां होणगियां, कदी आया कर अपने यतीमां भतीजियां कोल ना नजरां दुड़ाइयां करना, किथे मैनू याद आया है तेरे फैसला बाप दा गिला कहे, तेरे फैसला बाप दे गिला के दे अंदा ना चौंड चक दे अंदर जदों मैं खिताबत करया करदा, एक दिन यारा बेलियां दे नाल रल के आया इत्थे तेरे फैसला बाद आइडियल होटल ते आ करे के बैठिया, एक यतीम बच्चा आया है, ओए यतीम मैं यतीमा बच्चा नाल प्यार करन वाले हो, यतीम बच्चा आ करे के अर्जा करदा गए हाफे जी मेरा पापा दुनिया तो टुर गया है, आ मुसवाका लै करे के आया वा, घरा मुसवाका लै लो असी घर दा राशन लै लवांगे। अल्लाह वाले हो मेरे यार बेली मेरे मुंह वल वेखदे रह गए, मैं उस बच्चे नू कहा मेरा पुत्रा इत्थे बह साडे नाल रल के पहला खाना खाना, खाना खिलाया गया लै करके गए असी उस बच्चे नू, असी कहंदे घर वल पहुंचिया ओदे घर दा दरवाजा खड़काया है मेरे नाल ना यार बेली साहबे इस्तदासा, मैं क्या यारो जो कुछ रब ने अता कीता है अज जेबां बेलियां करके जाना है, अज इस बच्चे नू राशन लै करके देना गे। अल्लाह वाले हो यतीमा बच्चियां दे ख्याल करो ना, यतीमा बच्चे नजर नहीं आंदे मखलियां दे अंदर, अपने किदारे ते मदरसियां दे अंदर नजरां दुड़ाना, अपने स्कूल ते कालजां वे नजरां दुड़ाना, बड़े बड़े यतीम बच्चे नजर काट गए, बड़े बड़े यतीम बच्चे नजर आण गए, और जिन्ना दे कोल यूनिफार्म कोई नहीं, और जिन्ना दे कोल किताबां तां कापियां कोई नहीं, कई यतीम बच्चे महलियां दे अंदर नजर आण गए, रुलदे फिरदे नजर आण गए, इक्को जवाब आंदा है काज अज बाबा जिंदा हुंदा ओ वी सानू आला ती आला तलीमा दिलवांदा, काज बाबा जिंदा हुंदा अज ओ वी सानू कपड़े ती जुतियां लै करके देंदा ना, कहंदियां नजरां तू दुनिया दा वाकिया नहीं गुजरिया। एक छोटी जी बच्ची है इंज करके टीचर ने स्कूल वाली ने कहा है जा पुत्रा कल फीस लै करके आना है, जे फीस लै करके नहीं आएगी स्कूल दे अंदर आएगी मैं तेनू सजा देवागी। यतीम बच्ची है कौन दसे इस यतीम बच्ची नो, दौड़दी गई है कब्रस्तान वाल अपने बाबे दी कब्र ते खड़े हो के आखदी है बाबा मैनू फीस दियो नहीं तसुबा मैनू टीचर सजा देवेगी, नहीं तसुबा टीचर मैनू डांट मारेगी मैनू डंडे मारेगी, मेरी बाबा जी मैनू फीस दियो नहीं तो मैनू टीचर स्कूल विच बैर निकाल देगी। कौन दसे यतीम बच्ची नो तेरा बाबा तो दुनिया तू टुर गया है, तेरा बाबा तो दुनिया तू जुदा हो गया गे। अल्लाह वाले हो दुनिया दे बड़े इंज दे वाकियात ने तू सुने ते तेरा
दिल कम जाए ना। अल्लाह वाले यतीमा नाल प्यार करो ना, यतीमा नाल मुहब्बत करो ना। एक यतीम अज दा पैगाम नोट करके लै जा, मेरी सारी तकरीर दा खुलासा जे। एक यतीम पकड़ लो, एक यतीम पकड़ लो, जे अपने पुत्रां दी कफालत करदे हो, जे अपने पुत्रां दे नखरे उठांदे हो, जे अपने पुत्रां नाल प्यार करदे हो, जे अपने पुत्रां दे नाल मुहब्बतां करदे हो, ओ जे यतीम नाल भी मुहब्बतां करो ना, ओ जे यतीम दे भी नखरे उठाओ ना, ओ जे यतीम दी यतीम दियां भी आरज़ू पूरी करो। अल्लाह दुनिया दे अंदर भी माला माल कर देगा। अल्लाह कियामत वाले दिन सोने महबूब दा गवांडी अता गवांड अता कर देगा। अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत दा दाखला अता कर देगा। ओ यतीमा नाल प्यार करो ना, यतीमा नाल मुहब्बत करो ना। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमी वाला वक्त वेख्या है, यतीमी दे लमाद वेखने। हमेशा सहाबा इकराम नु फरमाया है, ओ मेरे सहाबियो यतीमा दा ख्याल रखिया जे, यतीमा दे नाल प्यार करिया जे, यतीमा दे नाल मुहब्बत करिया जे। जे चाहते हो कियामत वाले दिन मेरा गवांड तुहानू लब जाए, मेरा तुहानू हमसाया लब जाए ना, फिर यतीमा नाल प्यार कर लो, यतीमा दे नाल मुहब्बत कर लो। ओ यतीम कौन दे तेरे, आज तेरे पति जे यतीम ने ते कल तेरे पुत्र भी यतीम हो सकते ने। मंदर वक्त बदलन नु कोई नहीं पता लगदा। हजरा जी यतीमा नाल प्यार करोगे, यतीमा नाल मुहब्बत करोगे, अल्लाह दुनिया दे अंदर तेरी जवानी दे अंदर बरकता ता कर देगा। अल्लाह कारोबार अंदर बरकता ता कर देगा। फरमाया वायु तुई मुनतामा अला गुप्पी मिस्कीन यतीम वासीरा। ओ यतीमा नु खाना खिलाओ ना, मस्कीना नु खाना खिलाओ ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल गरीब लोग आए ने, माड़े लोग आए ने, यतीम आए ने। आगे अरज करते ने के सोड़िया माल वाले, ओ जिन्ना कोल दौलता ने ती माल खर्च करके ती साढ़े तू बहुता सवाब ले जा रहे ने, बहुता अजर ले जा रहे ने। ओ गरीबो जरा गल पल्ले बन के ले जाओ। ओ माड़े हो, ओ माड़े हो, ओ डंग डंग वाले रोजियां कमा आने वाले सुने जे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गे मेरे साहबियो परेशान होना नहीं। सुनिया वो बड़े पोते ने माल खर्च करते ने, अल्लाह दे नबी जी साढ़े तो ज्यादा नेकियां कमाई जा रहे ने। आपने फरमाया गरीब हो माड़े हो गल सुन लो, ती गरीब हो माड़े हो यतीम हो मस्कीन हो, तुसी कसरा 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया जे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जेड़े अमीर ने जिन्ना ओ माल खर्च करणगे उन्ना दे बराबर अल्लाह ताला तुहानू अजर अता फरमा दे। एक गरीबी अमीरी अल्लाह दे वास अंदर है, माड़े दिन आ गए ने। बंदा गरीब है माड़ा है, यतीम हो गया, पैसा नहीं है, लोग खर्च करते ने, साडे कोल कुछ नहीं, तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के अमीरां दे बराबर सवाब लै सकदा है। आओ मेरे मोहतरम भाइयो, एक तो स्पीकर गला दे बिल्कुल साथ नहीं देंदा, पता नहीं या कोई स्पीकर नू मसला है या की है या मैक नू या साढ़े गलियां नू पता नहीं, इत्थे ही आके खराब होंदा है। यकीन जानिए बैर जाइए, मैक हमेशा चंगा ही लभदा है। तो मेरी दुआ है अल्लाह साढ़े इस मस्जिद स्पीकर नू बेहतर बना दे। अल्लाह साढ़े इन्हों स्पीकर बरकत अता फरमा दे, अल्लाह इस मैक बरकत अता फरमा दे। अल्लाह कोलों दुआ ही कर सकते हैं, होर तो असं कुछ कर नहीं सकते। आओ मेरे मोहतरम भाइयों, जो कुछ सुनया सुनाया मेरा मालिक मेरा खालिक सही माने के अंदर सानू सारे उसने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाह।